नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बरारी छठ तालाब में मंगलवार की सुबह छात्रा का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार छात्रा के शरीर को तेजाब से जलाने की बात सामने आ रही है। वहीं मौके पर जोड़ा पोखर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव आते ही परिजनों ने जोड़ा पोखर थाना के पास शव रखकर झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग को घंटों तक जाम कर दिया है। वहीं परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस दौरान उपद्रवी ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसके बाद मौके पर सिंदरी SDPO सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गए। मालूम हो कि झरिया अंचल के जेलगोरा 7 नंबर बस्ती के रहने वाली युवती, जो 26 मार्च को शाम 4 बजे से घर से ट्यूशन पढ़ने निकली थी, छात्रा किसी गार्डन स्कूल में पढ़ती थी। परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज जोरा पोखर थाने में कराई थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कही। वही सिंदरी SDPO ने बताया कि मृतिका पिछले 4 दिनों से लापता थी। उनके परिजनों द्वारा गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वही लाठीचार्ज मामले में उन्होंने कहा कि पब्लिक उग्र हो गई है, जिसकी वजह से भीड़ हटाने के लिए थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा। यहाँ पे तो पुलिस को भी तो बताया गया था, दोनों लोग छानबीन क्यों नहीं किए गए? उनको भी तो छानबीन करना चाहिए। ये क्या है? आज वो सही सुरक्षित नहीं था, हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग कैसे निकलने थे अपने बहू बेटी को? कैसे वो पढ़ाई करे, कैसे कॉलेज जाएगी? महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। सुरक्षा तो है ही है, इसको भी उसी तरह फांसी दिया जाए, उसी तरह गोली मारा जाए, जैसे दिल्ली में हुआ था। दोषी इसमें है, उसको अरेस्ट करने का काम। अभी आप लोग क्या किए? अभी हम लोग को यही मांगा कि जो दोषी है उसको अरेस्ट करे जल्दी से पुलिस, और नहीं तो यहाँ पे जितने भी सामाजिक लोग हैं सब एक होकर के आंदोलन करने का काम करें। झरिया सिंदरी कुमार को जाम कर दिए? अभी तो जाम है फिलहाल, उसी जाम को हम लोग थोड़ा अभी धीरे रख के हम लोग उसको हटाने का काम कर रहे हैं, ताकि जाम करने से हम लोग का समाधान नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोग जाम को भी हटा रहे हैं। जो भी बिंदु उठाए जा रहे हैं, जिन पर शंका है, हम लोग उठाए तो उस पर जाँच करेंगे। जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। लाठीचार्ज की घटना हुई थी सर, और वो कुछ बदरी तत्व भी शामिल हो जाते हैं भीड़ में, उनके द्वारा पब्लिक न्यूसेंस किया जा रहा था, तो उनको बताने के लिए हल्का सा लाठीचार्ज, हल्का सा बल प्रयोग करेगा। 4 दिन से लड़की लापता थी, इसके कुछ थाना स्तर पर खोजबीन किया जा रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि लड़की नहीं मिल पाई, लेकिन हम उसमें भी देखेंगे कि थाना स्तर से अगर कोई चूक हुई होगी तो उसको भी हम लोग ऊपर।